विस्की के ग्लास में मैंने पानी का ही दो पैक मान लिया। इतना प्यार से लाया हम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ दोस्त के बर्थडे पार्टी मनाने, तो उधर बहुत फन करेंगे, आप लोग को पूरा दिखाएंगे। और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जितना भी पुराना वीडियो वो सब देखिए, और साथ ही जो मेरा वीडियोज़ है वो सबको शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी सुन के मैं बिना इनविटेशन का ही आ गया था। ये पार्टी हो रहा था गुवाहाटी सोनापुर में। मैं बाकी दोस्तों के साथ मिलके आया था कि ताकि मेरा दोस्त को ना लगे कि मैं बिना इनविटेशन का आया हूँ। ये लोग मेरा कैमरा ऑन करते हाय देने लगा और मैं इधर आगे बढ़ा कि मुझे वेलकम करने एक कुत्ता आया, जिसे देख के मुझे मेरा दोस्त कलुआ का याद आया क्योंकि वो ही ऐसा काला है। और जैसे ही हम आगे बढ़ा तो हमें वेलकम करने के लिए मेरा दोस्त खुद आया, बाकियों को आगे बढ़ा के ले जा रहा था और मैं बेशर्मों की तरह पीछे पीछे जा रहा था क्योंकि मैं बिना इनविटेशन का आया था। और तभी मैं इससे नज़र घुमाता हूँ तो मुझे सर्कस का जोकर मिलता है जो टॉयलेट का चौकीदारी कर रहा था, वो भी जोकर के कॉस्ट्यूम पहन के। तो मैं उसे छोड़ के आगे आया। मोमबत्ती जलाने के लिए मैचबॉक्स लाना भूल गया तो तभी मैंने अपना पॉकेट बीड़ी जलाने वाला लाइटर ही बर्थडे गर्ल को दे दिया, तो तभी बर्थडे गर्ल मेरे आने से खुश हुआ। इसलिए पॉकेट में लाइटर रखना जरूरी होता है कभी कभी। Happy birthday to you, happy birthday dear Justin, happy birthday to you. ओए, कैंडल बन नहीं हुआ अभी तक, कैंडल बन नहीं हुआ। केक काटते सामूहिक केक खिलाने वाला कार्यक्रम शुरू हुआ था। बर्थडे गर्ल अपने हाथों से सभी को केक खिला रहा था सिवाय मुझे छोड़ के। मैं अपना मुंह खुला का खुला ही छोड़ दिया लेकिन बर्थडे गर्ल ने मुझे केक नहीं खिलाया। तो अब समय आया था गिफ्ट देने का, तो मैंने अपने तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट लाया था बर्थडे गर्ल के लिए। मैं पूरा दिन सोच के ये गिफ्ट लाया था। बहुत सही है यार, देखो ना यार, इतना प्यार से लाया हम। इधर 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 क्या फील हो रहा है तुम्हें? इसके तरह कुछ और दे देगा, फैन भी नहीं सकती इसको, मतलब दे देना। ये मेरे फ्यूचर के लिए सोचा है तुम्हारा। थैंक यू सो मच, फ्यूचर के लिए सोचा। केक ना मिलने के गम में मैंने विस्की के ग्लास में पानी के दो पैक मार लिया था और पानी के दो पैक मारते ही मुझे नशा होने लगा थोड़ा थोड़ा। तो सब ख़त्म करके बाहर आते मेरा दोस्त लोग झूला झूल रहा था, तो इन लोग को देख के मुझे भी अपना बचपन याद आया, लेकिन मैं बच्चे के खिलौने पे नहीं झूलता हूँ। और मैं यहाँ आसपास देख ही रहा था कि मुझे पूरी तरह से नशा होने लगा। शायद मैंने आज एक दो पैक ज़्यादा मार लिया पानी का, तो मैं नशे की हालत में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चढ़ाई करना शुरू कर दिया और ऊपर जाते ही मुझे पूरा चाइना ही दिखाई दे रहा था और मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हंसने लगा, मुझे लगा मैं इस दुनिया का राजा हूँ। तो फिर रिजॉर्ट के मालिक के मुझे ऐसा गाली दिया कि मैं मुझे उधर से कूदना पड़ा। और ग्रेट वॉल से उतरते उतरते दिन से शाम हो गया था, लेकिन मेरा दोस्त लोग अभी भी झूला झूल ही रहा था और मुझे भी इन लोग को देख के अपना बचपन कुछ ज़्यादा ही सताने लगा। तो मैं भी इन लोग के साथ झूला झूलने बैठ गया, लेकिन मेरा झूलन थोड़ा अलग था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बुरा शक्तियों का हाथ है क्योंकि मुझे कोई पीछे से खींच रहा था फिर आगे धक्का दे रहा था। तभी मैंने अपना मंत्र का उच्चारण किया और वो शक्ति भाग गया, लेकिन मैं इस साइड देखा तो ये लोग बच्चे की तरह लड़ना शुरू कर दिया। दो दोस्त मिलके मेरे एक दोस्त को भगा दिया, तो बिचारी रो रो के मेरे पास आया, बोलने लगा कि उसे भी झूलना है। तो उसने ऐसा जिद किया कि उसे मैंने अपना पास ही बिठा लिया और फिर मुझे शार्क देखने का मन हुआ तो मैं पास का ही समंदर में आ गया था। मैंने पूरा समंदर ढूंढा लेकिन मुझे शार्क नहीं मिला। तभी मेरा दोस्त आके मुझे बोला, गठे ये स्विमिंग पूल है। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा आज का वीडियो ये पे समाप्त करते, फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्लेस में। अभी के लिए बाय।